हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। मैं थोड़ा ब्राइट क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हाँ। अज मैं थानू एक तो लैके 3 फरवरी 2018 के करंट अफेयर करावे। इस अज मैं कट्ठे करंट अफेयर पाते 3 दिन के, क्योंकि काफ़ी घट करंट अफेयर सन, काफ़ी घट बन रहे थे करंट अफेयर। तो जोड़ा बजट है वह मैं अलग तो करवावगा, तो बजट मैं इस डिस्कस नहीं किया। तो 1 तो लैके 3 फरवरी 2018 तक जो मैं करंट अफेयर करावगा, सब तो पहला जो अपना करंट अफेयर है वह है जी वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन पासस अवे। 113 साल की उम्र से उन्होंने, जी दुनिया के सब तो बजुर्ग आदमी से उन्होंने नाम से जी फ्रेंकिस्को नूनेज़ ओलिवेरा। ठीक है जी, उन्होंने जो देहांत होया स्पेन के, उन्होंने डैथ हुई। ही वॉज बोर्न इन 13 दिसंबर 1904 के जन्म होया। अगे है जी लैफ्टिनेंट जनरल इन चौहान टेक्स चार्ज ऑफ डी जी एम ओ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के जो नवे डी जी एम ओ बने हैं जी, उन्होंने नाम है लैफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ही सीड्स लैफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट। तो पहला कौन सी जी इन्हों की जगह पर, ए के भट्ट से। तो जनरल बिपिन रावत है जी एट प्रेजेंट चीफ आर्मी स्टाफ दे। ठीक है जी, तो जनरल बिपिन रावत ने जोड़े आर्मी के स्टाफ के हूँ हैड ने, चीफ ने। अगला है इंडिया स्लिप्स टू 42nd रैंक ऑन द IEIU डेमोक्रेसी इंडैक्स नॉर्वे टॉप्स। तो जो इंडिया जी वह 92वें रैंक पर आ गया जी फिर तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडैक्स के। टॉप जिहड़ियां 5 कंट्रीज ने कि ने, पहले नंबर पर नॉर्वे है जी, दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे पर स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है। ठीक है जी, अगे नॉर्थ कोरिया जिहड़ा वह सब तो लोएसट रैंक पर 167 नंबर पर, जिहड़ा सीरिया जी उदू बाद 166 नंबर पर है जी। ठीक है जी, तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडैक्स, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जिथे लोकतंत्र है। ठीक है जी, तो आप गल ही करते हैं कि अपना इंडिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र केड़ा है जी, सब तो नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, तो सब तो वधिया जाने कि लोकतंत्र पे ने दुनिया के उत्ते, अपना रैंक 42वें जी उस दे विच। सब तो माड़ा लोकतंत्र कित्थों दा जी, वह है नॉर्थ कोरिया का जिथे डिक्टेटरशिप है। ठीक है जी, अगला है जी यूके अलाउ डॉक्टर्स टू क्रिएट 3 पेरेंट बेबीज थ्रू ए मिटोकॉन्ड्रियल डोनेशनस। तो हम मिटोकॉन्ड्रियल डोनेशन के नाल की हो सकता है, तुसी बेबीज नू जाने की क्रिएट कर सकते हो 3 पेरेंट्स बेबीज नू। तो ब्रिटेन दे फर्टिलिटी रेगुलर ह्यूमन फर्टिलाइजर एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ने यह जाने की घोषित किया है। तो कंट्री का पहला 3 पेरेंट बेबीज है जिहड़ा यह जाने की बनाया गया है जी थ्रू मिटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी। तो की है जी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का नाम है MRT जाने की मिटोकॉन्ड्रियल डोनेशनल थेरापी। जो मिटोकॉन्ड्रिया होंगे जी अपने सैल के एक पार्ट है मिटोकॉन्ड्रिया, तो उन्होंने डोनेट करके इस एक जाने की थेरापी है, एक बेबी है जोड़ा वह प्रोड्यूस किया जाता है। अगे है जी PM मोदी इनैगोरेट ग्लोबल इनवैसटमेंट समिट इन आसाम। तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनवैसटमेंट ग्लोबल इनवैसटमेंट समिट का जाने की घोषणा की है, इनैगोरेशन की आसाम के, प्रमोटिंग इनवैसटमेंट इन द स्टेट्स एंड नॉर्थन ईस्ट के। तो जेडे अपने नॉर्थ ईस्ट के जाने की स्टेट्स ने उत्थे जोड़ा इनवैसटमेंट उन्होंने प्रमोट करने वास्ते यह जो पहलू शुरू किया गया, तो उत्थे अपने रतन टाटा, मुकेश अंबानी उन्होंने उत्थे समिट के हिस्सा लिता। तो कई देशों तो भी इतने इनवैसटर्स आए, जिमें भूटान, बंगलादेश, जर्मनी, जापान। ठीक है, तो आसियान कंट्रीज ने भी इन्हों जाने की अटेंड किया। तो आसियान दी टोटल 10 कंट्रियां जिहड़ियां 26 जनवरी के उत्ते भी जिन्हां दे हैड सीगे जिहड़े अपनी कंट्री दे विच आए सन। ठीक है जी, तो मैं तुहानू एक गल दसदा, LDC दे पेपर दे विच आसियान दी कंट्रीज दे हैड एक पक्का क्वेश्चन आ सकदा जी अपने बजट दे उत्ते। तो एक गेम्स दे विच जिहड़े हुण लेटैसट जो अवार्ड जीते गए ने इंडियंस द्वारा, तो उहदे विचों पक्का क्वेश्चन आ सकदा जी, जिवें कि अपना विश्व मंथन है जिहड़ा चैस दे विचों जिन्होंने जाने की अवार्ड जीते है, तो एवें दे क्वेश्चन जिहड़े इंपोर्टेंट ने इंडिया दे रिलेटेड, उन्होंने तुसी रिविजन आउट कर लेना, LDC च पक्का पूछे जाएंगे। अगला जो अपना करंट अफेयर है जी, वह सौरभ गौसल बिकम द हाईएस्ट रैंक इंडियन स्क्वाश प्लेयर। तो देखो जी ये आ गया स्पोर्ट्स दे रिलेटेड कि जिहड़ा सौरभ गौसल है वह बिकम द हाईएस्ट रैंक बन गया जी, उहदा स्क्वाश प्लेयर बन गया। तो इन्होंने 5 प्लेस यानी कि जंप किया है 14 टू बिकम द हाईएस्ट रैंक इंडियन बन गए ने। प्रोफेसनल स्क्वाश एसोसीएशन द्वारा यह रैंकिंग दी गई है। तो गोस्टर बीट जोसना चिनापा हू स्लिप्ड 3 प्लेस डैट 17 नंबर पर आ गए है। तो दीपिका पालीकल कार्थिक है जो 20 नंबर पर है, रिमेंड ने जाने की पहला भी इतने ही। तो फॉर्मर इंडियन चैंपियन हरिंदरपाल संधु
उन्होंने प्लेस दा उन्हां दा 99वें नंबर ते, ठीक है जी। तां सौरव कौशल ने जिन्हां ने हाईएस्ट रैंक इंडिया दे विच स्क्वाश प्लेयर दे रूप दे विच अगे आए। अगला जो अपना करंट अफेयर आ है, श्याम बंगाल अवार्डड वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जिहड़ा यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किन्नू मिलिया जी, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल द्वारा यह जाने कि घोषित किया गया। अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड कंकलूडिंग सरमनी ऑफ आई एम आई डबल एफ इन द मुंबई दे विच। तो जिहड़ा कैश प्राइज सी जिहड़ा वह 10 लाख कैश प्राइज है जी। तो एक सर्टिफिकेट तो शॉल भी दिता गया महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा सी विद्यासागर राव जिहड़े गवर्नर ने अपने महाराष्ट्र दे। तो बंगाल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द डेमोक्रेटरी मूवमेंट। तो यह जिहड़ा अवार्ड मिले वह किन्नू मिले जी, श्याम बंगाल, ठीक है जी। अगे है इंडिया लिफ्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018। तो क्रिकेट का अंडर 19 वर्ल्ड कप है जिहड़ा 2018 वो इंडिया ने जीते जी। इंडिया हैज़ डिफीट आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया नूं हरा के वर्ल्ड कप फॉर द फोर्थ टाइम, चार वारी चौथा टाइम है जी यह जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीते है अंडर 19 दे विच। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੈਂਚਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਨਮ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿੰਸ ਟਾਈਮਸ ਪਾਵਰ ਵੂਮੈਨ 2017 ਅਵਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਜੀ, ਸ਼ਬਨਮ ਅਸਥਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਜ ਕਨਫਰਡ ਔਨ ਹਰ ਬਾਏ ਦਲੀਪ ਕੰਬਲੇ। ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਕੰਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जी, सोशल जस्टिस एंड स्पेस असिस्टेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ते इनक्लूड 34 सिलेक्टेड वूमेन विद पावर सुपरमेसी कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है जी। किन्ना द्वारा दिता है, दलीप कंबले उतो जेडे मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के, ठीक है जी। अगला है जी जोहन हैंसी अपॉइंटेड अल्फाबैट्स न्यू बोर्ड चेयरमैन। तो अल्फाबैट्स का नवे चेयरमैन बने ने जोहन हैंसी। जोन एनसी है जेडे 2004 दे चार तो है जी, इत्थे इस कंपनी दे विच लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंस 2007 दे विच। ते ही इज रिप्लेस किन्नू कीता जी, एरिक स्किमेडिट नू। स्किमेडिट रिमेन एज टेक्निकल एडवाइजर, ठीक है, हुण ओह टेक्निकल एडवाइजर ने जी। तो जेडे हैंसी इज फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पहला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दे विच इह फॉर्मर प्रेजिडेंट सी उत्थों दे। अगे आ गया यूएई लॉन्चेस वर्ल्ड लोंगेस्ट जिप लाइन। तो जिप लाइन है जी यूएई द्वारा लॉन्च की है, दुनिया की सब तो वड्डी, मेजरिंग 2.83 किलोमीटर इन लेंथ। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जी, यह ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिले इस नूं रास अल खाइमा। द जैबल जेस फ्लाइट टेक्स थ्रिल सीकर्स अस्टॉप द कंट्रीज लार्जेस्ट माउंटेन पीक, ठीक है जी। तो उत्थे यह बनाया गया लोंगेस्ट जिपलाइन जिथे जहाज उतारे जाते हैं, ठीक है जी। अगे है जी 7th इंडियन एनर्जी कांग्रेस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 7th एनर्जी कांग्रेस जाने की मीटिंग हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली दे विच, जिथे 400 एक्सपर्ट है जेडे इन द ब्रेन स्टॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया तो 400 एक्सपर्ट पहुंचणगे। तो एनर्जी ट्रांजिशन टवार्ड्स 2030, तो जेडा मेन मोटिव है वह 2030 नूं टारगेट किया गया है। अगला जो अपना करंट अफेयर है, 32nd सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला शुरू हो गया जी। कित्थे होया जी, फरीदाबाद दे विच। तो फरीदाबाद है जिहड़ा हरियाणे दे विच है, ठीक है। तो मेले इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सूरज कुंड मेला अथॉरिटी उत्तर प्रदेश है, सॉरी फरीदाबाद कित्थे जी, उत्तर प्रदेश दे विच। इज द थीम स्टेट एट कजाकिस्तान इज द पार्टनर नेशन। तो जिहड़ा कजाकिस्तान है वह एक पार्टनर नेशन है, यह इहदा थीम है। तो कोलाबरेशन विद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म टैक्सटाइल कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर, कि मिलकर शुरू किया जी मेला, जेडे अपने टूरिज्म टैक्सटाइल कल्चर ते एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, इन्होंने सारे ने मिलकर कोलाबरेशन करके इस शुरू किया जी। अगला है यूनियन गवर्नमेंट मेक पैन मैंडेटरी फॉर ट्रांजेक्शन ओवर 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख तक की ट्रांजेक्शन करनी है तो उस वास्ते पैन जरूरी कर दिता गया है। पैन की फुल फॉर्म है जी परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यूनीक आइडेंटिटी नंबर है जी फॉर नॉन इंडिविजुअल फॉर अप्रैल तो यह शुरू किया गया जी। अगला है जो ओडिशा विंस जियो स्पैशल वर्ल्ड एक्सलेंस अवार्ड 2018। तो जियो स्पैटियल अवार्ड मिले जी, वर्ल्ड फॉर्म हुई सी यह। तो प्रेजेंट इन जियो फास्टियल वर्ल्ड फॉर्म मीटिंग कित्थे होया जी, हैदराबाद तेलंगाना दे विच। इवेंट वाज अटेंडेड बाय मोर देन 3000 उत्थे जियो सेप्टियल एक्सपर्ट्स पहुंचे सीगे 90 डिफरेंट कंट्रीज तो। यह जाने की उत्थे
ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ I3MS ਇਜ਼ ਅ GPS ਲਿੰਕਡ ਵੈਬ ਬੇਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟੂ ਉੜੀਸਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ I3MS। ਅਗਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਕਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਕਸਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 5 ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਆ, ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਂਜ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਾਈਗਰਾਜ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੌਮ ਡਿਫੀਟਡ ਜੈਸੀ ਗੈਬੂਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ। ਤਾਂ 12th ਸੀਡਡ ਬੋਕਸਰ ਹੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਬੁੱਕਡ ਹਰ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲਸ ਆਫਟਰ ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਐਲਟਨਸਟਿੰਗ ਲੁਟੈਸਖਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਲੈਸ਼। ਤਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਕਸਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿਕਮ ਫਸਟ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਈ ਕੇਅਰ ਫੋਰ ਆਲ। ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਕੇਅਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 3000 ਆਈ ਕੇਅਰ ਨਰਸਿਸ ਬੇਸਡ ਔਨ 502 ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੇਲ ਆਫ 20 ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 20 ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵਾਰ ਟੇਕਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 20 ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਹਿੱਲ ਔਨ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਕਲਪਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਨੇਮਡ 7 ਹਿੱਲਸ ਔਨ ਪਲੈਨਟ। ਤਾਂ 7 ਕਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸੀ ਜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਵੈਸੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ 7 ਹਿੱਲਸ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਿਊ ਡਾਇਡ ਵੈਨ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਡਿਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਰੀ ਐਂਟਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਕਤ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕਪੂਰ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਨੀਲਮ ਕਪੂਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ACC ਵਾਸ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ACC ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਜ਼ ਨੀਲਮ ਕਪੂਰ ਹੈ 1982 ਬੈਚ ਦੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ LDC ਵਾਸਤੇ GK ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।